तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप पर देख सकते हो कि ये जो है Redmi का फ़ोन है। अगर Redmi में आपका कोई सा भी मॉडल का अगर फ़ोन है, अगर आप उसमें चाहते हो कि कॉल आने पर फोटो सेट करना, वो भी फुल स्क्रीन डिस्प्ले पे, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने Redmi के फ़ोन में फुल स्क्रीन पर फोटो सेट कर सकते हो। तो चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों इस वीडियो को एंड में बताऊंगा कि आपको ये कौन सा ऐप है जो कहाँ मिलेगा, जो कि आप आसानी से डाउनलोड कर अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन पर फोटो सेट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को एंड तक बताऊंगा, पहले इसे इसके बारे में सेटिंग जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ओपन करने के बाद आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे के साइड में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर स्टाइल एंड बैकग्राउंड, एंड तीसरे नंबर पर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस अपना कम कर लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ यहाँ पर दिखे। सो गाइज, इतना करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से देखो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल से आपको इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक गैलरी, एक फाइल मैनेजर। तो आपको गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे तो जो है आपके जो मोबाइल के होम स्क्रीन का गैलरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी फ़ोटो सेट करना चाहते हो उसे आप फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर देना। एंड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप जूम आउट भी कर सकते हो। तो मैं अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जूम करने के बाद ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर टिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आपको टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे करोगे तो उसके बाद जो है आपको सेट हो जाएगा। अब मैं अब चलता हूँ बैक। जैसे आप बैक बटन से आओगे तो देख सकते हो कॉल आने पर कुछ इसी प्रकार से आपके फ़ोन में सेट फ़ोन दिखाई देगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। एंड जैसे नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको जो है परमिशन मांगेगा। उसके बाद जो है कॉल आने पर आपके फ़ोन के स्क्रीन पर कुछ फ़ोटो दिखाना है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ सच है या झूठ।